वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 5 मई 2024 संडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। पिछले हफ्ते 29 अप्रैल से 3 मई के बीच में क्या क्या मेजर एक्टिविटीज हुआ है एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसी का एक प्रयास है। तो 29 अप्रैल से 3 मई के बीच में जो दो मेजर इवेंट था, एक था आपका एफएम से रेट डिसीजन जहाँ पे स्टेटस को रखा गया बट द कमेंट फ्रॉम फेड चेयर इज कंपैरेटिवली लेस हॉकिश, जिसके कारण थोड़ा सा सॉफ्टनेस, हल्का सा सॉफ्टनेस देखा गया। एंड उसके बाद आपका ये एनएफपी डेटा जो मच लोअर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशंस, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स में और भी सॉफ्टनेस देखा गया ऑन फ्राइडे। सो जो वीकली कैंडल बना हुआ है वह है एक रेड कलर्ड कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड विथ ए हाई ऑफ 106.49 एंड लो ऑफ 104.52 and close at 105.07। और अगर हम इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो फ्राइडे के दिन में और भी ज्यादा डैमेज हुआ था बट सम सॉर्ट ऑफ मींस करेक्शंस फ्रॉम द लो हुआ था, जिसके कारण 105.07 पे आके क्लोज लिया हुआ। अभी व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट के लिए अगर हम वीकली को पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमारे पास दो important zones है। On the higher side the resistance zone at 107 से 107.30 and नीचे के तरफ आपका 101 से 101.40 के बीच में, ये weekly perspective में dollar index है। So dollar index अभी और कुछ समय के लिए इसी range के अंदर में रहना चाहिए until unless some clear clues are there in the market। अभी आते हैं GBP। जीबीपी डॉलर में एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है वीकली पर्सपेक्टिव में विद एन इंट्रा डे लो, इंट्रा वीक लो ऑफ 1.2466 एंड इंट्रा वीक हाई ऑफ 1.2634 एंड क्लोज एट 1.2545। सो यहां पे हमें एक अगर देखेंगे तो क्या हुआ है वीकली पर्सपेक्टिव में, ये 40 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहे हैं, ऊपर में कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक नेचर अगर मंथली में देखेंगे, मंथली में RSI साइडवाइज बिटवीन 1460 एंड आल्सो द कर्व इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। सो मंथली पर्सपेक्टिव में यहां पे ज्यादा कुछ वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रेंड एंड स्पेशली द ट्रेंड मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वीकली में 40 में सपोर्ट लेके ऊपर गया एंड ऊपर जब जाएगा 60 इज एक्सपेक्टेड टू बी आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अगर हम इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली में यहां पे एक प्राइस सेक्शंस, ये जो कंसोलिडेशन ये आपका फ्राइडे के दिन में इसके ऊपर क्लोज ट्रेड किया था बट कुडंट सस्टेन अबव द जोन। सो ये जोन हाई के ऊपर यानी जीबीपी डॉलर को अगर ऊपर जाना है इन सच केस 1.2635 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। इन सच केस वी कैन एक्सपेक्ट जीबीपी अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 1.28, उसके लिए फ्राइडे के हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर हम जीबीपी आईएनआर को देखेंगे तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स यहाँ पे, ऑल्दो ग्रीन कलर कैंडल है बट प्राइस रिजेक्शंस एट हायर एंड आरएसआई 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है एंड इमीडिएटली 60 आरएसआई इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। एक नजर अगर मंथली का देखेंगे तो मंथली कंसोलिडेटिंग इन एन अराउंड 60, तो अभी बिलो 60 पे 57.18 पे, सो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर हम डेली का देखेंगे तो डेली में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है, इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर हमें ऊपर की तरफ जाने का एक्सपेक्टेशन है। जो फ्राइडे के दिन में ऊपर गया था अबव द हाई ऑफ 104.89 एंड इट ट्रेडेड हाई ऑफ 105.18 बट कुडंट सस्टेन अबव द हायर लेवल्स, रदर ये एक फिर सेल ऑफ करके पूरा का पूरा 104.57 पे आके क्लोज दिया हुआ है। यहाँ पे अभी अगर इसको ऊपर जाना है टुवर्ड्स 105.70 एंड टुवर्ड्स 106.50 इन सच केस ये जो फ्राइडे का कैंडल का हाई है इसके हाई के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आते हैं यूरो डॉलर, यूरो डॉलर में भी एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया हुआ है बट प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ द टू साइड्स, ऑन द हायर साइड एज वेल एज ऑन द लोअर साइड एंड ऑल्सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये 40 आरएसआई पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड नजर अगर मंथली का देखेंगे तो मंथली इज आल्सो साइडवाइज आरएसआई, क्योंकि ये 40-60 के बीच में ही है, ज्यादा कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको डेली में देखेंगे तो डेली में भी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा है, इसके हाई के ऊपर क्लोज देना है
और क्लोज देने से भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, जिसके हाई के ऊपर भी जाना पड़ेगा। सो अभी काफी कुछ ऑब्स्टिकल्स ऑन द हायर साइड आर देयर। यूरो आईएनआर सिमिलरली अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे, इट्स ए ग्रीन कलर कैंडल बट प्राइस रिजेक्शन एट द हायर एंड, सो दैट मीन द केस यहां पे ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। इसको अगर ऊपर जाना है तो इस हाई के मिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा एंड फॉलो थ्रू देना पड़ेगा। डॉलर येन में सबसे बढ़िया सा मूव क्या हुआ, एक जबरदस्त बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया हुआ। ये जो एंगल्फिंग कैंडल बनाया हुआ है वीकली पर्सपेक्टिव पे, व्हिच एंगल्स दो हफ्ते का बैक टू बैक, दो हफ्ते का जो बुलिशनेस था पूरा का पूरा एंगल्फ कर चुका है। इट्स ड्यू टू द बीओजेस इंटरवेंशन एक्टिविटी, जिसके कारण ये काफी 160.21 लेवल से 151.85 तक गया था। अभी देखने वाला चीज है ये जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था अराउंड 151.75, इस लेवल पे आके प्राइस क्या करते हैं, इसको अगर नेचुरल वे पे नीचे की तरफ आना है, नेचुरल वे पे नीचे के आने का मतलब मींस ये फर्दर और भी डाउन ये आना है नेचुरल वे विद रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेदर देन BOJ's interventions, तो हमें और भी प्राइस एक्शंस देखना है। क्या देखना है, यहाँ पे ये प्राइस ऊपर गया अभी आया, अभी हमें एक M पैटर्न चाहिए ऑन वीकली परस्पेक्टिव, देन एंड ओनली देन यहाँ पे जबरदस्त अच्छा सा डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ 151.75 ये जो लेवल है इट्स एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो हमें आने वाले हफ्ते में नेक्स्ट मंडे ऑनवर्स जो हफ्ता है वो तो है, फिर सब्सिक्वेंट हफ्ते में हमें देखना है कि इस जोन को क्या रिस्पेक्ट करता है या ब्रेक डाउन करते हैं। यन आईएनआर पे जो हम वीकली पर्सपेक्टिव में जबरदस्त एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया हुआ है, एंगल्फिंग द टू प्रीवियस वीक्स कैंडल, इट्स ए स्ट्रॉन्ग कैंडल। अभी ये जब तक ये इसका 50% ये जो बुलिशनेस है कहाँ पे है, आपका 5482 एंड 5233, सो 150 पिप का, सो 125 बोले तो करीबन आप 125, सो 53.50 के आसपास। जब तक ये 53.50 के ऊपर ही ट्रेड करते हैं तब तक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए दो नए, एक बार अगर 53.50 के नीचे सस्टेन कर जाते हैं नो मैजिक, जस्ट 50% ऑफ द बुलिश, यानी 50 के ऊपर रहेगा तो स्ट्रेंथ कंटिन्यू, 50 के नीचे आ जाएगा तो दैट मींस द बायर्स आर लूजिंग द ग्राउंड, दैट इज व्हाट आई वांट टू मीन बाय दैट। सो इसके लो के नीचे थोड़ा सा वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डेली में देखेंगे यहाँ पे एक तो यहाँ पे बेसिकली W पैटर्न था, तो यहाँ पे आप देखोगे W पैटर्न अच्छा खासा यहाँ पे हमने देखा। नेक्स्ट इज डॉलर कैंडल। डॉलर कैंडल वीकली बेसिस में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। क्या स्पिनिंग टॉप कैंडल, यहाँ पे आपका ये जो प्रीवियस 131.36 का सपोर्ट था वहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस रिजेक्शन से बोथ द टू साइड्स, यानी ऊपर में भी रिजेक्शन है नीचे में भी रिजेक्शन है, तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन में एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है, इट्स कंसीडर्ड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। देन इन सच केस इसके हाई के ऊपर, यानी फ्राइडे के हाई के ऊपर एक मॉडरेटली बुलिश मूव टुवर्ड्स 138 एंड देन 130 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर के अगर हम प्राइस एक्शंस को देखेंगे, ऑसी डॉलर जो आपका वीकली कैंडल मींस आपका बना है 0.6 एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया हुआ, बट प्राइस रिसेक्शंस ऑन बोथ द टू साइड्स एंड वी क्लोज जो दिया हुआ है वो है आपका 0.6। इसको अगर हम थोड़ा सा डेली चार्ट में देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे एक रेंज था, ये जो बॉक्स का एक रेंज था, इसके नीचे फॉल्स ब्रेक डाउन किया ऊपर गया, फिर ऊपर गया तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 0.6 की तरफ जा रहा है, लेकिन हाफ वे से मीन्स 0.6580 से फिर नीचे की तरफ एक कैंडल बना, ये कैंडल के बाद
मेरे को ये लग रहा था कि ये जो टारगेट है 0.6650 का, वो मैच नहीं होगा, रेदर ये नीचे की तरफ आएगा। ये एक रेड कैंडल बनाया था, उसके बाद इसको फॉलो थ्रू नहीं दिया। सो फॉलो थ्रू नहीं दिया तो एक अच्छा खासा सीढ़ी की तरह स्टेप अप बना के ऊपर जा रहा है। सो अभी हमें देखना है कि ये 6650 6660 के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, या रेजिस्टेंस के ब्रेक करके सपोर्ट लेके दोबारा ही ऊपर है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट के लिए हम प्राइस एक्शंस का कंफर्मेशन चाहिए। सीएनएच काफी स्ट्रांग हो चुका है। फ्राइडे के दिन में हमने देखा है इट ट्रेडेड लो ऑफ 7.1630 बट क्लोज एट 7.1980। काफी स्ट्रेंथ देखा गया है। बेसिकली हम यहाँ पे एक डर रहे थे कि 7.29 के ऊपर डॉलर रुपये में अच्छा खासा प्रेशर आएगा, लेकिन ये सॉफ्ट हो चुका है तो हमारे रुपये के लिए अच्छा है। एंड द नेक्स्ट इज आवर ब्रेंट क्रूड फ्यूचर। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली में एक एम पैटर्न बनाया हुआ है। कैसे एम पैटर्न आप बोलोगे, यहाँ से आया ये वाला, ये वाला, ये देखो एम। सो यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑप्टिक्स मे बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट, जिसके हमारा फर्स्ट टारगेट था 80 to 80। आई थिंक आई वाज डिस्कसिंग इन माय प्रीवियस वीडियोस के फर्स्ट टारगेट 30 का एंड देन योर 78 50 के आसपास का टारगेट हमने डिस्कस कर लिया, उसी डायरेक्शन में ये आ रहे हैं। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी, जो 4.512 पे क्लोज दे आया। वीकली में अच्छा खासा मोमेंटम लॉस किया एंड अच्छा खासा नेगेटिविटी के अंदर किया, लेकिन इसमें अगर और फर्दर वीकनेस के लिए हमें इस टाइप का एक एंड पैटर्न चाहिए, देन एंड ओनली देन यहाँ पे अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट हम। यहाँ पे इमीडिएटली अगर नीचे आता भी है तो 4.33 4.32 का एक सपोर्ट लेवल है। उस लेवल पे आने के बाद प्राइस कैसे बिहेव करता है वो हमें देखना पड़ेगा। देन इज आवर यूएस 2 ईयर ट्रेजर, यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो सपोर्ट है। एक है ये वाला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एट 4.76, एक है इंक्लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट जिसके जिसके दोनों के नीचे जाना पड़ेगा अगर इसको फर्दर वीक होना है। एक गुड थिंग है यहाँ पे रेंज शिफ्ट है, रेंज शिफ्ट का ये RSI 60 के नजदीक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ चुका है, ये बहुत ही बढ़िया वाला चीज है सो सॉफ्टनेस के लिए। सो यहाँ पे और भी हमें मींस वीकली पर्सपेक्टिव में अगर हमें मैच्योर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है तो हमें यहाँ पे एक W पैटर्न चाहिए, सॉरी M पैटर्न चाहिए, समथिंग लाइक दिस, देन देयर इज गोइंग टू बी अ गुड softness as well as the US 2 year treasury is concerned. So currency आपका weekly analysis अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। If so, like it, thank you and have a great day.